सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का जो वीडियो है ना, वो हम लिमिट चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आप लोग के एग्ज़ाम में। तो ध्यान से देख करके एक एक क्वेश्चन का आप नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो को आप एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम तक आप इसको रिवाइज़ करते रहिए। बार बार आप कहीं घूम रहे हैं, आप मोबाइल में वीडियो प्ले करके देखते रहिए, समझ रहे बात को? तो इस तरीके से आपको आराम से सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा लिमिट निकालना है। तो होपफुली लिमिट का कंसेप्ट आप लोग को मालूम होगा। अगर किन्हीं को लिमिट का कंसेप्ट मालूम नहीं है तो अभी के लिए आप इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे लिमिट एंड कंटिन्यूटी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे एनिमेटेड वीडियो भी हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए। और फिर भी मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है, जिसको हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते, उसमें हम लिमिट लगाते हैं। तो ये हमारा 0/0 फॉर्म है, आप रख के चेक करके देखिए। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ 0/0, ठीक है। जैसे मैंने एक्स जब ऊपर रखा तो 0 आया, नीचे भी रखने से 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो एक फैक्टर को हम लोग ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ठीक है ना। अगर ऊपर वाले को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 12, समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई। अगर आप नीचे में देखते हैं तो ये हो रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये हो जा रहा है माइनस से 4x, और प्लस x कर रहे हैं, प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4, यहाँ पे अगर x कॉमन करिएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, और फिर माइनस 3 कॉमन करिएगा तो यहाँ भी आपका एक्स माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या कॉमन कर रहे हैं हम लोग, तो अगर मैं यहाँ एक्स कॉमन करूँगा तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लीजिए आप तो यहाँ भी एक्स माइनस 4 बचेगा। तो ये अपने पास क्या हो रहा है अभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4, ठीक है। यहाँ से x माइनस 4 एक फैक्टर बन रहा है, और एक फैक्टर हमारा x माइनस 3 बन रहा है, होल डिवाइडेड बाई ये बन रहा है अपना x माइनस 4, और इधर आपका क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है x प्लस 1। तो ये x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, देखिए ये आपका आ रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 4, ऊपर में x माइनस 3 है, नीचे में x प्लस 1 है। तो अगर आप अब वैल्यू पुट करते हो तो ऊपर में 4 माइनस 3 1 बचेगा, नीचे में 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यही इसका लिमिटिंग आंसर आ गया। तो अगर हमारा वैल्यू फाइनाइट आ रहा है कुछ, तो वही हमारा लिमिट का आंसर हो जाता है। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ईजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे अभी हम लोग। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको समझ में भी आया होगा, ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी दिखाते हैं आपको अभी हम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि इवेलुएट, ये सब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इवेलुएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक्स प्लस 2 रेस टू द पावर 3, और यहाँ है माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग आप एलजेब्रा वाला भी वीडियो देखे होंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला का, तो उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था कि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। फिर भी यहाँ तो चलिए थोड़ा छोटा ही है, तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जानते होंगे। क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, समझ रहे बात को? तो ये हमारा होता है फार्मूला। तो अगर इसी फार्मूले पे मैं ऊपर में इसको सॉल्यूशन जब मैं करूँगा, तो यहाँ पे क्या है अपना, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये अपने पास एक्स प्लस 2 रेस टू द पावर 3 है ना, और 8 को क्या मैं 2 टू द पावर 3 बोल दूँ,
डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अभी क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना। यहाँ पे अपने पास a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, x प्लस टू, यहाँ माइनस टू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब x प्लस टू का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं बात को। एंड और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्लस ए बी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स प्लस टू इंटू बी का मतलब टू, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब मैं डायरेक्ट फोर लिख देता हूँ, होल डिवाइडेड बाई देखिए नीचे एक्स है। अब गौर से देखिएगा तो ये तो प्लस माइनस टू कट गया है ना, और ए भी तो कट रहा है ना, यहाँ वाला एक्स होगा इसके साथ कट जाएगा। तो बस अब सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो जीरो का जीरो प्लस टू तो टू ही होगा, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी जीरो तो टू इंटू टू फोर, और लास्ट वाला भी फोर, तो चार प्लस चार प्लस चार चलती है बारह। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ट्वेल्व आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो होपफुली ये सब वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। देखिए वीडियो मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप सबको तो ये चीज़ ज़रूर चाहिए कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, अच्छे अच्छे पढ़ने में अच्छा लगता है, कई बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों का कमेंट पढ़ के, तो इस तरह से कमेंट करते रहें। और कुछ अगर कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर से उसमें लिखिए कमेंट में, मैं उसको देखूँगा। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए थ्री भी देख लेता हूँ इसी में, तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है जी कि इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है आपको, लिमिट देखिए क्वेश्चन में एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे दिया है रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं यहाँ पे इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको देख लीजिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, वेरी सिंपल है, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द अगेन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो बाई ज़ीरो। कौन सा फॉर्म है, ज़ीरो बाई ज़ीरो, ठीक है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फॉर्म चेक नहीं किया था, ये भी ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। पुट करके देखिए तो ज़ीरो ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइज करेंगे हम न्यूमरेटर को। तो क्या है जी, देखिए ये है वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, तो नीचे भी हम इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, ये हमारा आ रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया अपना ए स्क्वायर, तो रूट डायरेक्ट हट गया, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा ना इसका, फिर माइनस साइन, इसका भी रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और नीचे में अपने पास एक्स स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बच जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर है, और यहाँ पे प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है। समझ गया कि नहीं। तो ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका आ रहा है लिमिट, लिख देता हूँ एक बार, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर में बच रहा है टू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, और नीचे में बच रहा है एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर में रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए ए वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, चलो भैया चल जा। और अब अगर आप जीरो पुट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में देखिए रूट वन बचेगा, यहाँ पे प्लस रूट वन, यानी कि वन प्लस वन टू बचेगा, यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है इसका, क्या आने वाला है जी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर में टू बचा हुआ है, और नीचे में देखते हैं तो यहाँ बचा था वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, और यहाँ बचा था वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अब जीरो पुट कर दीजिए तो ऊपर में हो गया टू, वन प्लस वन दैट कम्स आउट टू बी टू बाई टू, कट गया ना। आंसर कितना आ गया इसका, वन आ गया। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, वन। सो मुझे
पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को मज़ा तो जरूर आया होगा इस वीडियो में और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा ऐसा वीडियो लिमिट का। दो क्वेश्चन और मैं एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम सबके जरूर बा, समझ ला कि नहीं, वीडियो के लाइक होवे के चाहिए, सब्सक्राइब होवे के चाहिए और शेयर तो जरूर होवे के चाहिए। अब पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए और ज़िंदगी में हमेशा देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Oh, 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 oh